दोस्तों आज हम बात करेंगे राज बब्बर जी के बारे में, क्यों राज बब्बर जी अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करते थे, स्टार्टिंग में क्यों अमिताभ बच्चन जी के कारण उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपने कैरियर को स्टार्ट करने में और शाइन करने में काफी जदोजहद करनी पड़ी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन भी राज बब्बर के कारण अपने आप को इनसिक्योर से महसूस कर रहे थे। क्या था ये कारण, क्यों राज बब्बर कहते थे कि अमिताभ बच्चन के कारण मुझे कैरियर के स्टार्ट में काफी नाइंसाफी हुई, जहां तक कि मेरी कुछ सुपरहिट फिल्में अमिताभ बच्चन ले गए। वैसे तो राज बब्बर एक दमदार अभिनेता हैं, उनकी आवाज भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक YouTube चैनल में उन्होंने बोला था, इसके बारे में ये बातें शेयर करें, तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलें। ₹1980 और 90 के दशक में बतौर अभिनेता राज बब्बर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उनकी आवाज, डायलॉग डिलीवरी, गजब का टैलेंट, सबकी तरफ उन्होंने अपना ध्यान खींचा, लेकिन कुछ मूवीज में उनको बाहर कर दिया गया। कारण थे अमिताभ बच्चन। पहली बार जब राज बब्बर 1982 में फिल्म शक्ति बनाने वाले थे, रमेश सिप्पी के साथ पेपर सब कुछ साइन कर चुके थे, साथ में उनके कलाकार थे दिलीप कुमार। तब अमिताभ बच्चन को पता चला रमेश सिप्पी एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है शक्ति, और वो सीधा रमेश सिप्पी के पास गए, बोले मैं दिलीप जी के साथ काम करना चाहता हूँ। रमेश सिप्पी अमिताभ बच्चन से बोले, मैं राज बब्बर को साइन कर चुका हूँ, इसमें कोई ज्यादा राज बब्बर का काम नहीं है, ये ज्यादा दिलीप कुमार के ऊपर है। फिर भी अमिताभ बच्चन ने रमेश सिप्पी को प्रेस किया। कहा जाता है उस समय अमिताभ बच्चन इतने बड़े कलाकार थे, रमेश सिप्पी अमिताभ बच्चन को मना नहीं कर सके। बाद में रमेश सिप्पी ने स्टोरी में थोड़ा चेंज किया, अमिताभ बच्चन को भी बीच में ज्यादा ऐड किया फिल्म में, फिल्म सुपर डुपर हिट रही, लेकिन राज बब्बर अमिताभ बच्चन पर एकदम खफा हो गए। दूसरी बार भी 1982 में ही जब प्रकाश मेहरा फिल्म नमक हलाल बना रहे थे, तब राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में ही बताया था कि प्रकाश मेहरा से मेरी बात बन चुकी थी, प्रकाश मेहरा ने मुझे दिल्ली से बॉम्बे बुलाया, मैं थोड़ा डरा हुआ था, कारण था कि इससे पहले भी मेरी दिलीप कुमार के साथ फिल्म बनते बनते रह गई थी। फिल्म शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। बाद में मालूम पड़ा प्रकाश मेहरा ने मुझे इस फिल्म से निकाल दिया और अमिताभ बच्चन को ही ले लिया। जब राज बब्बर ने प्रकाश मेहरा से बात की तो प्रकाश मेहरा ने बोला, दूसरे कलाकार आपके साथ काम नहीं करना चाहते, कारण मुझे पता नहीं, लेकिन यही एक कारण प्रकाश मेहरा ने मुझे बताया। मैं बहुत परेशान सा हुआ। बाद में मुझे पता चला कि ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन ले गए हैं। राज बब्बर ने यह भी बताया, मुझसे पहले विनोद खन्ना से भी बात की गई थी, क्योंकि विनोद खन्ना के साथ मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बनाई गई थी, लेकिन किसी कारण विनोद खन्ना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और ये फिल्म मेरे पास आई, मुझे भी ठुकरा दिया, तो उसके बाद ये फिल्म अमिताभ बच्चन के पास चली गई। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे हाथ से ये बहुत बड़ी फिल्म निकल गई। बाद में नमक हलाल, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सिमता पाटिल, परवीन बाबी, रंजीत और वहीदा रहमान, इन बड़े स्टारों ने मिलकर बनाई। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन ने राज बब्बर के साथ बेइंसाफी की, या आपको लगता है कि ये राज बब्बर की बदकिस्मती थी? ये भी बताएं आपको ये फिल्में नमक हलाल और शक्ति कैसी लगी थी, अमिताभ बच्चन का रोल कैसा था, क्या राज बब्बर इस फिल्म को करते तो अच्छी बनती या अमिताभ बच्चन ने ही ठीक किया। मैं आपके सारे कमेंट्स का इंतजार करूंगा, साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।